चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेके चीजें जो एक गुत्थी है वो यहाँ पर उलझती जा रही है, लेकिन टीम इंडिया, बीसीसीआई और भारत सरकार इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीसीबी बेकरार है कि भाई हिंदुस्तान की टीम वहां पर आए, लेकिन टीम इंडिया ने साफ तौर पर मना कर दिया। और अब ये ऑफिशियल हो चुका है, जो अभी तक बातें चल रही थी कि नहीं अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, आ सकते हैं, बातचीत चल रही है, हाइब्रिड मॉडल दिस एंड दैट, लेकिन नाउ इट्स ऑफिशियल कि मना कर दिया है टीम इंडिया ने, बीसीसीआई ने, और जो भारत सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने ये एडवाइस किया है कि इट्स नॉट सेफ टू ट्रेवल टू पाकिस्तान राइट नाउ। और इसी वजह से बीसीसीआई ने भी आईसीसी को बता दिया है, पीसीबी को नहीं, आईसीसी को, जो होस्ट यहाँ पे जिनके पास बॉडी है, जो होस्ट बॉडी है यहाँ पे, उनको साफ तौर पर बता दिया है कि वी आर नॉट ट्रेवलिंग टू पाकिस्तान। अगर हमें इंक्लूजन चाहिए हमारा आपको, तो आपको हाइब्रिड मॉडल में यहाँ पर खिलवाना पड़ेगा। पिछले दो दिन की टाइमलाइन आप लोगों को यहाँ पर मैं समझाता हूँ। पहला एक बयान आता है, एक अनौपचारिक बयान था कि ये बोला जा रहा था कि भाई बीसीसीआई ने पीसीबी को बता दिया और आईसीसी को बता दिया है कि हम नहीं आ रहे। उसकी देर शाम ही, शुक्रवार की देर शाम ही यहाँ पे बोला गया मोहसिन नकवी की तरफ से, जो पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ, हमारी तो कोई चर्चा ही नहीं हुई, और हम लोगों की कोई हाइब्रिड मॉडल को लेकर भी बातचीत नहीं हुई है। तो ये भी बात निकल के आई, लेकिन अब अगर आप देखें तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पर निकल के आ गया है, बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया है कि वी आर नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। अगर आपको चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया खेले, तो आपको हाइब्रिड मॉडल में खिलवाना होगा। अब हाइब्रिड मॉडल की अगर हम बात करें, तो हाइब्रिड मॉडल कहेंगे टीम इंडिया के लिए भी सिरदर्द बन सकता है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के लिए जो दूसरा देश निकलकर सामने आ रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि यूएई का नाम सबसे आगे, इसमें दुबई और शारजा, जो ये दो मैदान है, दो शहर है, इनके यहाँ पे मुकाबले कराए जा सकते हैं। और अगर आप देखें दुबई में टीम इंडिया का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। अगर आप 2021 के वर्ल्ड कप की बात कीजिए, 2022 के एशिया कप की बात कीजिए, 2024 के विमेंस वर्ल्ड कप की बात कीजिए, दुबई में जाकर टीम इंडिया उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती, हमने हर बार देखा है। और फैंस ये बात भी लगातार सोशल मीडिया पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई दुबई में और यूएई में मत कराइए, आप श्रीलंका में ट्राई कर सकते हैं, कहीं और ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आप देखें पिछले साल जो एशिया कप हुआ था, उसी का कट कॉपी पेस्ट जो मॉडल था, वो आईसीसी को अपनाना होगा, जो एसीसी ने कराया था, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका की अगर हम बात करें, तो दोनों यहाँ पे साथ में होस्ट कर रहे थे, इंडिया के सारे मैचेस श्रीलंका में हुए थे। अगर बात करें इधर पाकिस्तान के मैचेस की, तो पाकिस्तान के और बाकी टीम्स के मैचेस यहाँ पे पाकिस्तान में खेले गए थे। हालांकि श्रीलंका में लॉजिस्टिक्स की थोड़ी दिक्कत है, ग्राउंड की थोड़ी सी जो फैसिलिटीज हैं उसमें दिक्कत है, तो देखना दिलचस्प होगा कि कैसे चीजें चलती हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो ये उथल पुथल है, ये थमने का नाम नहीं ले रही है। बीसीसीआई ने अपनी तरफ से चीजें साफ कर दी है, उन्होंने बता दिया है कि हमारी क्या सोच है, हम किस तरीके से यहाँ पर जाने वाले हैं, क्या हमारे यहाँ पे प्लानिंग होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 11 तारीख को, यानी 11 नवंबर, दैट मींस कल यहाँ पे आ सकता है, शेड्यूल आ सकता है विदाउट वेन्यू। अब देखना दिलचस्प होगा कि विदाउट वेन्यू यहाँ पे शेड्यूल आता है तो क्या क्या मैचेस, और इंडिया पाकिस्तान का मैच कब यहाँ पर होता है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बीसीसीआई ने आईसीसी के सामने तस्वीर साफ कर दी है।